हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीक में हमने पेपर फोर माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट था बैक्टीरियल कल्टीवेशन एंड मेंटेनेंस, ये हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ मीडिया देखे। उसके बाद देन वी हैव सीन अबाउट द डिफरेंट प्योर कल्चर टेक्निक्स, दैट इंक्लूड्स स्प्रेड प्लेट टेक्निक, पोर प्लेट टेक्निक एंड लेटर ऑन स्ट्रिक प्लेट टेक्निक। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट फोर जो है माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का, दैट इज स्पोरुलेशन, वो हम देखने वाले हैं। और इस यूनिट में हम देखेंगे व्हाट इज मीन बाय बैक्टीरियल स्पोरुलेशन। सो सम बेसिक कंसेप्ट वी विल सी अबाउट दैट स्पोरुलेशन। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर, देन एंडोस्पोर फॉर्मेशन और स्टेजेस, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द स्पोरुलेशन। एंड स्पेसिफिकली वी विल स्टडी दिस एंडोस्पोर फॉर्मेशन इन बैसिलस स्पेसीज। देन वी विल सी अबाउट द स्पोर जर्मिनेशन, दैट मीन्स हाउ दैट एंडोस्पोर्स लेटर ऑन दे गेट कन्वर्टेड और दे गेट कन्वर्टेड टू वेजिटेटिव सेल्स। देन वी विल सी significance of calcium dipicolinate, that is DPA, which is actually responsible for the resistance of these endospores to adverse environmental conditions, that includes radiations, nutritional deficiency, or resistant to antibiotics or different sterilizing agents including heat. And then we will see significance of soluble proteins. तो ये पूरे पॉइंट्स हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे दैट बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्पोरुलेशन, एंड देन वी विल सी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। सो बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू, इफ you are not subscribed this microbiology by Santosh Napte, so kindly subscribe this channel, क्योंकि इस YouTube channel पे आपको multiple choice questions की videos मिलेंगे। उसके बाद microbiology में जो भी अलग अलग papers हैं, उस सभी papers के videos यहाँ पे मैंने upload किए हैं, and that videos are nearly more than 60 videos on specifically on microbiology. So let's start this fourth unit, that is sporulation. So before going further, so what is mean by that sporulation here? Sporulation, it refers to the formation of spores or endospores from the vegetative cells during unfavorable environmental conditions. मतलब जब भी एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं, एट दैट टाइम दैट बैक्टीरिया और दैट वेजिटेटिव सेल्स दे ट्राई टू सेव देयर लाइफ बाय देयर ओन। तो कोशिश करते हैं बैक्टीरिया और वेजिटेटिव सेल्स कि ऐसे अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस में उनकी लाइफ सेव हो जाए। तो दे कन्वर्ट देम सेल्स टू अनदर form, which is actually a dormant form, and that dormant form, it is the spore form or it is the endospore. तो ये जो process है जिसमें endospore और form, that spores form होते हैं vegetative cells से, and in that unfavorable environmental conditions, so that process, it is called as the sporulation process. And in this process, so it is an adaptive response of the vegetative cell of that bacteria, which allows this organism to survive in the given adverse conditions. So that adverse conditions may be of radiations, that may be of extreme heat or cold, or there is a lack of nutrition. मतलब तो ऐसे अलग अलग unfavorable environmental conditions में ये microorganisms का और बैक्टीरिया का एक प्रकार का एडेप्टिव रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिजम्स और ये बैक्टीरिया
अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव करते हैं और उनकी खुद की लाइफ वहाँ पे वो सेव करते सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज दी दिस स्पोरुलेशन प्रोसेस. एंड एज कंपेयर टू द वेजिटेटिव सेल्स, दिस डॉर्मेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया दैट इज एंडोस्पोर फॉर्म और स्पोर फॉर्म, दीज आर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर्स एंड दे रिमेन डॉर्मेंट. सो दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज एंडोस्पोर्स मेक पॉसिबल फॉर द स्पोर्स टू प्रिजर्व देयर जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक कंटेंट ड्यूरिंग सच हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये फायदा है बैक्टीरिया को या फिर ऑर्गेनिजम्स को कि जब भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे होते हैं तो ऐसे टाइम में ये बैक्टीरिया खुद को कन्वर्ट करते हैं डॉर्मेंट फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं एंडोस्पोर और सिंपली हम उसे कहते हैं स्पोर. तो ये स्पोर पे एंडोस्पोर्स पे ऐसे एनवायरमेंटल और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस का कोई भी इफेक्ट वहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए बैक्टीरिया ऐसे भी कंडीशंस में वहाँ पे सर्वाइव करते हैं. सो ड्यूरिंग सर्टन अनफेवरेबल कंडीशंस दैट डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म सम वेजिटेटिव सेल्स दे गो थ्रू अ सीरीज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड दैट अल्टीमेटली चेंजेस टू द एंडोस्पोर और टू द स्पोर विच इज द डॉर्मेंट फॉर्म. एंड दिस डॉर्मेंट फॉर्म और दिस एंडोस्पोर्स अपार्ट फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल दैट एंडोस्पोर्स दे कंसिस्ट ऑफ सम साइटोप्लाज्म, दे कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एसिड्स, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स एंड देर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स विच अलाउज दीज एंडोस्पोर्स और स्पोर्स टू जर्मिनेट ड्यूरिंग दी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. तो ये अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर्स वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं इंक्लूडिंग एंजाइम्स. एंड ये जो एंजाइम्स वहाँ पे प्रेजेंट है दे अलाउज दीज एंडोस्पोर्स टू जर्मिनेट, मतलब जब भी एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल हो जाते हैं उस वक्त और उसी टाइम ये जो एंजाइम्स एंडोस्पोर में प्रेजेंट होते हैं जिसकी सहायता से दीज एंडोस्पोर्स अगेन दे जर्मिनेट इन टू अ वेजिटेटिव सेल्स और विच इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स. एंडोस्पोर्स दीज आर एक्चुअली मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, बट वेजिटेटिव सेल्स दीज आर मेटाबॉलिकली एक्टिव. सो ये कुछ टर्म्स या बेसिक हमने देखा है व्हाट इज मीन बाय स्पोरुलेशन. देन दीज स्पोर्स, ये जो स्पोर्स या एंडोस्पोर्स फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया में, सो दीज आर फॉर्म इनसाइड द पेरेंट वेजिटेटिव सेल्स. इसी वजह से स्पोर्स को हम बोलते हैं एंडोस्पोर्स. एंडो मीन्स विद इन, सो दीज आर फॉर्म विद इन और इनसाइड द पेरेंट वेजिटेटिव सेल. सो दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज एंडोस्पोर्स. एंड दीज एंडोस्पोर्स दीज आर डिहाइड्रेटेड मल्टी शेल्ड स्ट्रक्चर्स विच प्रोटेक्ट्स एंड अलाउज दैट बैक्टीरिया टू एग्जिस्ट इन द सस्पेंडेड फॉर्म और इन अनफेवरेबल कंडीशंस ऑल्सो. देन दीज एंडोस्पोर्स दे कंसिस्ट ऑफ द कंप्लीट कॉपी ऑफ द क्रोमोजोम एंड दे बेयर द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इसेंशियल प्रोटीन्स राइबोसोम्स एज वेल एज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कैल्शियम बाउंड दैट इज टू डाइपिकोलिनिक एसिड और दैट इज कॉल्ड एज कैल्शियम डाइपिकोलिनेट. एंड दिस कैल्शियम डाइपिकोलिनेट और द कैल्शियम विच इज टू द बाइंड टू द डाइपिकोलिनिक एसिड दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ एंडोस्पोर्स टू डिफरेंट अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस. सो दीज एंडोस्पोर्स दे आर रेजिस्टेंट टू हीट, दे आर रेजिस्टेंट टू रेडिएशंस, दे आर रेजिस्टेंट टू एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस और एंटीबायोटिक एज वेल एज दे आर रेजिस्टेंट टू डिफरेंट स्टरलाइजिंग एजेंट्स. सो व्हाट एवर दिस रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट इन दिस एंडोस्पोर इट इज ड्यू टू दी कैल्शियम डाइपिकोलिनेट. ये कैल्शियम डाइपिकोलिनेट की वजह से एंडोस्पोर में रेजिस्टेंट आता है अलग अलग सब्सटेंसेस को. सो दीज आर सम मेंबर्स ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियल जेनेरा विच आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग एंडोस्पोर्स. सो वेन दैट कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल, वेन देर इज अ डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स
एट दैट टाइम दीज बैक्टीरिया दे कैन प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर्स एंड द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया और जेनरा इंक्लूड्स दैट इज बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम देन सो दीज आर द एग्जाम्पल्स हियर बैसिलस एंथ्रेसिस क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्लॉस्ट्रिडियम परफ्रिंजेस सो दीज आर स्पोर प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया और वी कैन से दीज आर स्पोर फॉर्मर्स सो दिस स्पोर फॉर्मेशन इज अ मीन्स और इज अ प्रोसेस बाय विच दैट सम बैक्टीरिया दे आर एबल टू सर्वाइव एक्सट्रीमली हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन तो ये स्पोर फॉर्मेशन या फिर जिसे हम कहते हैं स्पोरुलेशन ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से सम बैक्टीरिया दे कैन सर्वाइव हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर ये बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया में कैपेसिटी है एंडोस्पोर फॉर्मेशन की स्पोर फॉर्मेशन की तो ये जो भी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस है इसका कोई भी इफेक्ट उस बैक्टीरिया पे नहीं हो सकता बिकॉज दे कन्वर्ट देमसेल्व्स टू एंडोस्पोर्स विच इज रेजिस्टेंट टू ऑल दीज अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस द जेनेटिक मटेरियल ऑफ दीज बैक्टीरियल सेल्स इट इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड देन सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट बिकॉज ऑफ विच दैट सेल बिकम्स इम्परवियस टू डेसिकेशन हीट एज वेल एज मेनी केमिकल एजेंट्स तो ये प्रोटेक्टिव कोट वहां पर तैयार होने की वजह से ये जो डेसिकेटर्स है हीट है केमिकल एंटीमाइक्रोबियल केमिकल सब्सटेंसेस है ये सेल्स में नहीं एंटर हो सकते जिसकी वजह से ये जो एंडोस्पोर्स है वो वहां पे प्रोटेक्ट होता है या फिर सेल्स को बैक्टीरियल सेल्स को प्रोटेक्ट करता है द बैक्टीरिया इन दिस स्टेज ऑफ स्पोर दीज आर मेटाबॉलिकली इनर्ट और दीज आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव जैसे मैंने बताया कि दैट एंडोस्पोर्स दीज आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और दीज आर मेटाबॉलिकली इनर्ट एंड देयरफॉर दे कैन रिमेन स्टेबल फॉर मंथ्स टू ईयर्स जो भी बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्म में एंडोस्पोर स्टेज में रहता है वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहता है एंड इट कैन रिमेन स्टेबल और लाइव फॉर और इट कैन सर्वाइव फॉर मंथ्स टू मेनी ईयर्स एंड व्हेन दीज एंडोस्पोर्स दे गेट एक्सपोज टू फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब भी वहां पे अनफेवरेबल कंडीशंस कन्वर्ट हो जाते हैं फेवरेबल कंडीशंस में देन दैट एंडोस्पोर्स दे गेट जर्मिनेट और एंडोस्पोर्स का वहां पे जर्मिनेशन होता है एंड विच प्रोड्यूसेस अ सिंगल सेल सो दैट सब्सिक्वेंटली कैन अंडरगोस नॉर्मल रेप्लिकेशन एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल विच इज अ मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल सो इट शुड बी ओबवियस दैट द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ डिसीज कॉज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज डिफिकल्ट और इट इज इम्पॉसिबल तो इसीलिए ये एक कहा जाता है कि जो भी डिसीज वहां पर होता है एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इरेडिकेट दैट कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ दैट डिसीज और डिसीज कॉजिंग एजेंट विच प्रोड्यूसेस स्पोर्स और विच प्रोड्यूसेस एंडोस्पोर्स क्योंकि जब भी वहां पर डिसीज कंप्लीट इरेडिकेशन के लिए वहां पर कुछ एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंसेस वहां पर यूज किए जाते हैं लेकिन जब एनवायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल बन जाते हैं तो इस स्पोर फॉर्मिंग पैथोजेंस पे उसका कोई भी इफेक्ट वहां पे नहीं होता है सो व्हाट वी थिंक देयर इज अ कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट दैट इज नॉट द एक्चुअल केस क्योंकि जब भी एनवायरमेंटल कंडीशंस वहां पे फेवरेबल हो जाते हैं तो अगेन दैट स्पोर्स दे गेट जर्मिनेट एंड दे प्रोड्यूसेस वेजिटेटिव सेल्स ऑफ दैट पैथोजेंस द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया दैट फॉर्म स्पोर्स दीज आर द एरोबिक जीनस दैट इज बैसिलस और वी कैन से बैसिलस एंथ्रेसिस विच इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ अ डिसीज एंथ्रेक्स एंड द अदर वन इज एनएरोबिक जीनस दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम और वी कैन टेक द नेम्स ऑफ दैट स्पीशीज दैट इज क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी और क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी इट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टिटेनस एंड क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम इट इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ बॉटुलिज्म विच इज द फूड पॉइजनिंग इन्फेक्शन और डिजीज सो वी विल सी इन डिटेल दैट इज अबाउट स्पोरुलेशन सो दैट स्पोरुलेशन प्रोसेस इट बिगिंस व्हेन न्यूट्रिशनल कंडीशंस बिकम अनफेवरेबल
और देर इज अ डिप्लेशन और डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन सोर्स, और समटाइम्स डिफिशियंसी और डिप्लेशन ऑफ नाइट्रोजन एज वेल एज कार्बन. सो दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ स्पोरुलेशन प्रोसेस. तो ये स्पोरुलेशन प्रोसेस कब बिगिन होता है, जब भी वहाँ पे न्यूट्रिशनल कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाते हैं, या फिर वहाँ पे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन और कार्बन की डिप्लीशन वहाँ पे हो जाता है, डिफिशियंसी वहाँ पे हो जाती है, देन सच कंडीशंस इट बिकम मोर फेवरेबल फॉर द बिगिनिंग ऑफ स्पोरुलेशन प्रोसेस. एंड दिस स्पोरुलेशन इट ऑकर्स इन कल्चर्स विच इन विच देयर इज अ टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉगरिथमिक phase of growth which results in the depletion of such nutrients, that is depletion of nitrogen or carbon. So that is the actual condition which triggers sporulation process. Then this sporulation, it involves the production of many new structures, enzymes and metabolites along with the disappearance of many vegetative cell components. जब वहाँ पे स्पोरुलेशन शुरू हो जाता है तो यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंसेस या फिर स्ट्रक्चर्स का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है, एंजाइम्स का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है और मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन वहाँ पे होता है. एंड एट द सेम टाइम वेजिटेटिव सेल्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं. सो दिस चेंजेस रिप्रेजेंट अ ट्रू प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. And there is a series of genes whose products determine the formation and final composition of these spores which are activated, and while another series of genes, these are involved in the vegetative cell function which get inactivated. मतलब simultaneously ये दोनों processes वहाँ पे हो जाती है, कुछ genes वहाँ पे activate हो जाते हैं जिसकी वजह से जो spore formation के spores और endospores के जो भी components है वो वहाँ पे तैयार हो जाते हैं. उसी टाइम ऐसे कुछ जीन्स वहाँ पे जो है बैक्टीरिया के वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से दैट वेजिटेटिव सेल्स गेट कन्वर्टेड टू एंडोस्पोर और दैट वेजिटेटिव सेल्स के फंक्शन वहाँ पे इनएक्टिव हो जाते हैं. एंड दिस चेंजेस इन्वॉल्व्स अल्टरेशंस इन द ट्रांसक्रिप्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज that determined by the association of polymerase core protein with one or another promoter specific protein which is called as sigma factor. And these different sigma factors, these are produced during vegetative growth as well as sporulation. Morphologically, that sporulation, it begins with the isolation of a terminal structures by the inward growth of the cell membrane. Cell membrane ki yahan pe इनवर्ड ग्रोथ वहां पे हो जाती है एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ स्पोरुलेशन प्रोसेस. एंड दिस ग्रोथ प्रोसेस इन्वॉल्व्स एन इनफोल्डिंग ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन का यहाँ पे इनफोल्डिंग होता है बिकॉज ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हुज फेसिंग सर्फेसेस करस्पॉन्ड टू द सेल वॉल सिंथेसाइजिंग सर्फेस ऑफ द सेल एनवेलोप. एंड द ग्रोइंग पॉइंट्स दे मूव प्रोग्रेसिवली toward the pole of the cell so as to engulf the developing spore. So मतलब यहाँ पे engulfment हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे spore structure form होता है. Then that two spore membranes, now they are engaged in the activity of synthesis of a special layer and that will form the cell envelope. And that includes spore wall and another one is the spore cortex. So these are the two membranes and these are present between the facing membranes and another one is this, that is the spore coat and exosporium which are present outside the facing membranes. So these two structures, spore wall and cortex, these are facing between spore membranes and that spore coat and spore exosporium, these are present outside the facing membranes. So these newly isolated cytoplasm or in core that many vegetative cell enzymes are degraded and these are replaced by the set of spore constituents or spore components. So this is the steps or processes which are responsible for the endospore formation or for
sporulation. So this is the first step here, that is DNA is replicated. This is the vegetative cell. This is cell wall. This is cytoplasmic membrane, that is the inner membrane. This is DNA molecule. And this is the structure of vegetative cell, which is metabolically active cell. Second step mein yahan pe kya hota hai, that DNA aligns along this cell's long axis. So these DNA molecules, these are aligned. Then that cytoplasmic membrane, it invaginates to form four spores. So infolding yahan pe hota hai, and there is a formation of four spores. So these are the four spores. Then cytoplasmic membrane grows and engulf four spores within a second membrane. Four spores ka wahan pe engulfment ho jata hai, and vegetative cells DNA get disintegrated. See, this is the vegetative cells DNA, it get disintegrated. Aur yahan pe dusri ek membrane, wahan pe second membrane form ho gayi. This is the first membrane and this is the second membrane. Aur wahan pe four spores ka engulfment ho gaya. Next step hai, that is a cortex of calcium and dipicolinic acid is deposited between the membranes. तो यहाँ पे ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर वहां पे दिख रहा है, तो ये कॉर्टेक्स तैयार हो रहा है यहाँ पे. दैट इज कॉर्टेक्स मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड डाइपिकोलिनिक एसिड. सो विच रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम डाइपिकोलिनेट. और ये कैल्शियम डाइपिकोलिनेट ये रिस्पॉन्सिबल है एंडोस्पोर में जो भी रेजिस्टेंट है. सो दैट एंडोस्पोर रेजिस्टेंट, इट इज ड्यू टू द कैल्शियम डाइपिकोलिनेट. सो कॉर्टेक्स इज फॉर्म, देन दैट स्पोर कोट फॉर्म्स अराउंड द एंडोस्पोर. तो यहाँ पे स्पोर कोट तैयार हो गया. सो दिस इज द स्पोर कोट. देन मैच्योरेशन ऑफ एंडोस्पोर टेक्स प्लेस एंड देर इज अ कंप्लीशन ऑफ स्पोर कोट एंड देर इज अ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस टू हीट एज वेल एज केमिकल्स बिकॉज ऑफ दैट कैल्शियम डाइपिकोलिनेट. तो ये आउटर स्पोर कोट तैयार हो गया, देन ये स्पोर कोट तैयार हो गया, एंड दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. सो दिस इज द कंप्लीट एंडोस्पोर, एंड एंडोस्पोर्स फाइनली इट इज रिलीज फ्रॉम द ओरिजिनल सेल. सो दिस इज द आउटर स्पोर कोट एंड दिस इज द कंप्लीट एंडोस्पोर. ओके, तो ये डायग्राम है जो एक्सप्लेन कर रही है बैक्टीरियल एंडोस्पोर. सो अभी वी विल सी प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोस्पोर. अभी एंडोस्पोर में या फिर स्पोर में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, that we will see. The core is the spore protoplast. Yes, spore, that core, it is called as spore protoplast, and it contains, so this is the one proper structure we can see here, endospore core, or which is called as spore protoplast. It contains a complete chromosome and all of the components of the protein synthesizing machinery and energy generating systems that is based on glycolysis. Then cytochromes are absent even in aerobic species, and the spores which rely on the shorted electron transport pathway that is involving flavoproteins. Then number of vegetative cell enzymes are increased in amount, for example alanine racemase, and at the same time number of unique enzymes are formed, for example dipicolinic acid synthetase enzyme. And the energy for germination is stored as a 3-phosphoglycerate instead of ATP. So that is core. Again, the heat resistance of spore, it is due to the part to their dehydrated state, and it is due to the presence in the core that is large amounts of calcium dipicolinate, which is formed from an intermediate of the lysine biosynthetic pathway. तो ये calcium dipicolinate की वजह से endospore में resistant आता है, and that consists of near about 5-15% of the spore dry weight. Then in some way that is which is not yet understood, these properties result in the stabilization of the spore enzymes, and most of which exhibit normal heat liability when isolated from in the soluble form. नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पोर वॉल. एंडोस्पोर का जो अनदर कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्पोर वॉल, एंड इट इज द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द इनर स्पोर मेम्ब्रेन. ओके, सो जो एंडोस्पोर का इनर मोस्ट लेयर है
जो स्पोर मेम्ब्रेन को सराउंड करता है उसे हम कहते हैं स्पोर वॉल, एंड इट कंटेन्स नॉर्मल पेप्टाइडोग्लाइकन एंड इट बिकम्स द सेल वॉल ऑफ द जर्मिनेटिंग वेजिटेटिव सेल। मतलब जब भी एंडोस्पोर्स का कन्वर्जन वेजिटेटिव सेल में होता है एट दैट टाइम दिस स्पोर वॉल इट गेट कन्वर्टेड टू द सेल वॉल ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ओके, देन नेक्स्ट कंपोनेंट है कॉर्टेक्स। सो दैट कॉर्टेक्स इट इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्पोर एनवेलप एंड इट कंटेन्स अनयूजुअल टाइप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन विथ फ्यू क्रॉस लिंक्स विच आर फाउंड इन द सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन। देन दिस कॉर्टेक्स पेप्टाइडोग्लाइकन इट इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द लाइसोजाइम एंड इट्स ऑटोलाइसिस इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ एंडोस्पोर। सो दैट इज द कॉर्टेक्स। देन स्पोर कोट, दैट स्पोर कोट और सिंपली इट इज कॉल्ड एज कोट, इट इज मेड अप ऑफ केराटिन लाइक प्रोटीन विच कंसिस्ट ऑफ मेनी इंट्रा मॉलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। सो दैट्स वाई इट इज अ टफ प्रोटीन और दैट कोट इज अ टफ इन नेचर बिकॉज ऑफ दिस केराटिन लाइक प्रोटीन्स। द इम्परमेबिलिटी ऑफ दिस लेयर इट इज ड्यू टू द रिलेटिव रेजिस्टेंस टू द एंटी बैक्टीरियल केमिकल एजेंट्स। सो दिस इम्परमेबिलिटी ऑफ दिस लेयर और दैट स्पोर कोट इट कन्फर्स ऑन स्पोर्स देयर रिलेटिव रेजिस्टेंस टू द एंटी माइक्रोबियल केमिकल एजेंट्स। नेक्स्ट कंपोनेंट है एंडोस्पोर्स का एक्सोस्पोरियम। सो दिस एक्सोस्पोरियम इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन और इट इज अ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन एंड इट कंसिस्ट ऑफ सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सी दिस इज द डायग्राम और इट इज द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। सी हियर दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ एंडोस्पोर। सो दिस इज कॉल्ड एज दिस इज द साइटोप्लाज्म, देन दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन हियर, देन दिस इज कॉर्टेक्स, देन दिस इज कॉल्ड एज स्पोर कोट एंड दिस इज एक्सोस्पोरियम एंड दिस इज कोर वॉल विच विल कन्वर्ट टू सेल वॉल when there is a germination of that endospore takes place. So these are the endospore, this is the endospore here, that is this is the parent cell. Okay, so and this is the germination of endospores, this is the new bacterial cell after germination of endospore. So this is the simple diagram. Then next one, that is germination of endospore. So how that endospore get germination? So here we have completed about this sporulation process and the structure of endospores. In next lecture, we will see about the germination of endospore or how that endospore get converted to vegetative cell. That is called as germination. So the germination process, it consists of three stages. One is activation, second one is initiation, and third one is outgrowth. So the germination process we will see in tomorrow's lecture. Thank you.